नॉर्मल ब्रेड के साथ तो मसाला टोस्ट हमने बहुत ही खाए हैं, पर आज वही मसाला टोस्ट को हम ट्विस्ट दे रहे हैं और हम बना रहे हैं ये वाले बिस्किट्स के साथ मसाला बिस्किट सैंडविच। तो वही मसाला बनाना है, पर बस हम आज इसको ये बिस्किट में भरने वाले हैं ताकि वो बाइट साइज का छोटा वाला मसाला टोस्ट मिल जाए। तो मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले पैन में जस्ट हाफ अ टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। एक्चुअली मैं ये कुक करके मसाला तैयार कर रही हूँ। आप चाहो तो बॉइल्ड आलू में नॉर्मल कच्चे वाले मसाले भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे ये कुक वाला वर्जन ज़्यादा पसंद आता है। और जो हम मसाला सैंडविच बाहर खाते हैं उसमें जो नाइस येलो कलर का मसाला बनता है ना, मैं वो वाला मसाला बना रही हूँ। अब मैं ये ऑयल में ऐड कर रही हूँ हाफ अ टी स्पून जितना जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए मैं बस एक चुटकी जितनी हींग ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप अवॉइड करिए। इनफैक्ट आपको चाहिए तो आप अजवाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लहसुन अच्छा लगता है लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। मैं थोड़ा सा अदरक ऐसे ही खिसके डाल देती हूँ, मुझे आलू के साथ अदरक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और वो पेट के लिए भी अच्छा है। और अब मैं कुछ ये फ्रेश वाली मिर्ची ऐड कर देती हूँ। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं, आप मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास बारीक कटे हुए कैप्सिकम है, ये भी ऑप्शनल है, वरना मसाले में जनरली कैप्सिकम होते नहीं है, पर मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, और ये बॉईल किए हुए पटेटोज है, बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि ये काम करने में आसानी हो जाए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अभी ये आलू का मसाला तो रेडी है। अब लास्ट में मैं बस आधा नींबू का जूस ऐड कर देती हूँ। स्टफिंग को ये बोल में शिफ्ट कर देते हैं। ये स्टफिंग ना थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं हम, और अब मैं इसको ऐसे चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है। अब ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मेरे पास यहाँ पे ये बारीक कटे हुए टमेटोज है, मैं वो थोड़े से ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली मसाला टोस्ट जब हम खाते हैं तो ब्रेड दो स्लाइस के बीच में ये मसाला तो डालते ही है, पर साथ में प्याज टमाटर चटनियाँ काफ़ी कुछ वो बीच में ऐड करते हैं। तो जैसे हम तो आज ये वाले नमकीन वाले बिस्किट से बना रहे हैं तो हम प्याज और टमाटर बीच में ऐड नहीं कर सकते वरना वो बिस्किट चिपक नहीं पाएगा। तो मैं सारी चीज़ें बारीक बारीक काट के ये मसाले में ही ऐड कर रही हूँ। और अब मैं ये मेरे पास बारीक कटा हुआ प्याज है, ये मेरे पास हरा वाला प्याज है, आप नॉर्मल वाला प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, और ये बहुत ही ऑप्शनल चीज़ है, मुझे पर्सनली इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये है पुदीना, मैं बारीक काट के पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता है आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। अब मैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल वाला करके ये जो हमने आलू का मसाला बनाया है ना उसकी छोटी छोटी टिकिया जैसा बना लेती हूँ। बिल्कुल ये जो बिस्किट वाला है ना वही साइज़ की हम बनाएंगे ताकि दिखने में बहुत सुंदर लगे। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, एकदम क्विक वाली रेसिपी है। अगर आप ऐसे स्टफिंग बना के रखो तो आप फटाफट ये वाला स्नैक बना सकते हो। तो अब मैं ये ऐसी छोटी सी टिक्की बना देती हूँ। अब मैं ये एक बिस्किट ले लेती हूँ और इस पे हल्का सा चटनी मैं लगा देती हूँ। आप सिर्फ केचप भी लगा सकते हैं, मैं ये एक साइड पे चटनी लगा देती हूँ और एक बिस्किट पे थोड़ा सा टमेटो केचप लगा देती हूँ। और अब ये एक वाली जो हमने टिक्की जैसा बनाया था वो मैं सेंटर में रख दूँगी और ये दूसरा वाला बिस्किट ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि चिपक जाए। ये देखिए बस ऐसे ही मैं सारे बिस्किट्स रेडी कर देती हूँ।
ये कितना क्यूट लग रहा है ना। अब मैं ये बारीक कटे हुए टमेटोज और धनिया ना थोड़ा मैं मिक्स कर देती हूँ। आप चाहो तो ये टाइम पे इसमें थोड़ा सा प्याज भी मिक्स कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे, ये मेरे पास सेव है। गुजरात में जब भी मसाला टोस्ट मंगाते हैं ना, तो वो टोस्ट बन के आता है, उसके ऊपर वापस से चटनी और बटर लगाते हैं और ढेर सारी सेव डालते हैं वो लोग। और आप इसके साथ, जैसे मैंने चटनी और केचप लगाया था ना, उसके बीच में आप थोड़ा सा चीज़ भी रख सकते हो, पर मैं आज चीज़ नहीं रख रही हूँ। अब ये साइड्स में ना मैं थोड़ी सी ऐसे चटनी लगा लेती हूँ। और अब ये ऐसे सेव में मैं डिप कर दूंगी। बस ऐसे ही मैं और भी सैंडविचेस को डिप कर देती हूँ। दूसरी बिस्किट सैंडविच में भी सेम ऐसे ही मैं चटनी लगा देती हूँ। और अब ये धनिया और टमाटर वाले मिक्सचर में मैं डिप करूँगी। मेरे सारे बिस्किट मसाला टोस्ट तो रेडी है, अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है बिस्किट मसाला टोस्ट। सुपर सिंपल बट सुपर डिलीशियस रेसिपी। कौन कह सकता है कि आलू और बिस्किट में से इतनी प्यारी दिखने वाली डिश बन सकती है। ये ट्राई तो नहीं किया ना? कुछ नहीं किया लाइफ में, मस्ट ट्राई।